दोस्तों सबसे पहले आप लोग लाइव देख लीजिए, मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। बिना प्रूफ से मैं बात नहीं करता हूँ, बिना प्रूफ के साथ मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को जरूर पता होगा कि मेरा एक पुराना चैनल है, जिस चैनल से YouTube से मेरा अर्निंग हो रहा है, उसी चैनल की वीडियो मैं आप लोगों को खुलकर दिखाने वाला हूं कि सच में एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे इंक्रीज होता है। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक वीडियो ओपन करता हूं। वीडियो ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए इस वीडियो की जो परफॉर्मेंस है यहां आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट जो है दोस्तों यहां व्यूज है, सेकंड दोस्तों इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, और थर्ड जो है दोस्तों यहां एवरेज व्यू ड्यूरेशन। दोस्तों एक चीज आपको गौर से समझना है, दोस्तों यहां देखिए तीन ऑप्शंस दिया गया है, एक वीडियो परफॉर्मेंस के लिए तीन ऑप्शंस लगता है। जैसे कि दोस्तों चलिए मैं, जैसे कि यहां आप देख सकते हो ये तीनों ऑप्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपके वीडियो पर व्यूज आ भी चुका है तो भी दोस्तों इस वीडियो से कोई फायदा नहीं होता है जब तक आपके वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है इंक्रीज नहीं होता है। अगर ये जो ग्रीन जो सिग्नल है, ये जो एरो है, अगर डाउन में होता है ना, तो आपके वीडियो में लाखों व्यूज आने से आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है बहुत ही कम आ रहा है। तो ये कैसे इंक्रीज करना है, कैसे आपको बढ़ाना है, जब तक दोस्तों आप ये नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपके चैनल पर जो 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करना है ये कभी कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए आपको इस चीजों पर आपको ध्यान देना है। अगर आप यूट्यूब पर एक न्यू क्रिएटर है तो आपको इस चीजों के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद जब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है काफी ज्यादा आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वीडियो लोग पसंद कर रहा है। अदरवाइज जब तक दोस्तों एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन होता है, या मतलब जो लिमिट है लिमिट से कम होता है, तो आप ये समझ लेना है कि आपकी वीडियो जो है ऑडियंस ने पसंद नहीं कर रहा है। तो ये कैसे इंक्रीज करना है आज के इस वीडियो में सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई इसी तरह काम कीजिए, आपकी वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है डेफिनेटली इंक्रीज होगा, आपकी व्यू ड्यूरेशन जो है वीडियो की डेफिनेटली बढ़ेगा। कैसे करना है, एक चीज कैसे पॉसिबल करना है दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं अगर दिन में रात में मेहनत करता हूं ना, तो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोग मेरे लिए क्या मेहनत करते हो? अगर मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता हूं तो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भाई आप हम लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, इसलिए आप लोग आपका वीडियो जो है हम लोग पसंद नहीं कर रहा है। कमेंट करके बताना है मेरे पास क्या बुराई है, क्या मैं गलत वीडियो अपलोड करता हूं? आप लोग ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो। अगर मैं बुराई चीज यूट्यूब पर अपलोड करता हूं तो कमेंट करके जाना है भाई कि आपने बुराई कर रहा है, मैं नेक्स्ट दिन से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा। लेकिन आप लोग को यह बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए आप लोग को मैं दिखाता हूं कि यह चीज कैसे इंक्रीज करना है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एक चीज आप समझ लीजिए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन एक वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, आइए आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए यूट्यूब पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए आपको जब वीडियो आप शूट करेंगे, वीडियो शूट करने की शुरुआत में आपको इस वीडियो की इंट्रो देना है। इंट्रो क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, इंट्रो क्या होता है, जब हम लोग हिंदी या दूसरा मूवी देखते हो तो मूवी देखने की जब आप शुरुआत में क्लिक करते हो मूवी पर, तो शुरुआत में एक इंट्रो होता है, मतलब एक मान लीजिए एक डायलॉग होता है या एक इंट्रो होता है, और उस इंट्रो को देखकर हमें लगता है कि इस पूरा मूवी देखना है, क्योंकि फर्स्ट जो इंट्रो मूवी पर डाला गया है इस इंट्रो ने आपको मतलब जुनून कर दिया है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको लगता है कि ये पूरा मूवी देखना है। तो एक वीडियो शूट करने की शुरुआत में आपको एक ऐसा इंट्रो देना है, आपको सोच समझ के देना है। एक वीडियो शूट करने में जितना टाइम लगता है उससे काफी गुना ज्यादा टाइम लगता है एक वीडियो की इंट्रो सोचने के लिए कि आज के इस वीडियो में फर्स्ट टाइम इंट्रो कैसे देना है, क्या देना है, क्या ऑडियंस को इंगेज करना है। उस इंट्रो से ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद इंट्रो देने के बाद दोस्तों आपको उस वीडियो पर फालतू बातें नहीं करना है, जिसके लिए आपने ये टॉपिक बनाया है। ऑडियंस को जो चीज प्रोवाइड करना चाहते हो वीडियो के माध्यम से, जो चीज ऑडियंस को सिखाना चाहते हो उसी चीज को बताना है, अदरवाइज मतलब अदर बातें नहीं बताना है, यानी कि फालतू बातें नहीं बताना है। अगर शुरुआत में आप लोग ये चीज कहना शुरू करेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा चैनल को लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, कमेंट करना है, सब कुछ करना है, तो ऑडियंस भाई आपकी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो पर क्लिक नहीं किया है। ऑडियंस की जो भी जरूरत होता है, जरूरत के लिए आपकी वीडियो पर क्लिक किया है, तो जरूरत सबसे पहले आपको पूरी करना चाहिए, यानी कि ऑडियंस की जरूरत जो है पूरी होना चाहिए। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको बताना है कि भाई वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है,
ये जो चीज है इसको कहा जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन शुरुआत में नहीं करना है, वीडियो के एंड में करना है, तो भी जाके दोस्तों आपकी जो ब्यूड रेशन है, एवरेज ब्यूड रेशन है, ज्यादा होता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपके वीडियो पर आपको मतलब जो है साउंड इफेक्ट, बातों के साथ ही साथ साउंड इफेक्ट अगर ऐड कर सकते हो तो और भी ज्यादा बेटर होता है। देखिए वीडियो फुटेज हर एक बातों के साथ अगर आप मतलब उदाहरण के लिए वीडियो फुटेज लगाते हो एडिट करते समय, तो आपके वीडियो में और भी ज्यादा एवरेज व्यू रेशन जो है इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको करना है, आप जो भी ऑडियंस को देना चाहते हो, जो भी सिखाना चाहते हो, उसी की मतलब अलावा आपको दूसरा एक बातें नहीं करना है, तो भी जाके ऑडियंस आपको पसंद करेगा, आपके वीडियो पूरा देखेगा, और पूरा देखने के बाद एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है हाई होगा। और इसके लिए दोस्तों जब एवरेज व्यू ड्यूरेशन जब हाई होता है, इंक्रीज होता है, तो उसके बाद दोस्तों उस वीडियो वायरल होने में चांस रहता है। इसके लिए दोस्तों आपको ये चीज ध्यान देना है, वीडियो क्रिएट करना है, वीडियो अपलोड करना है, लास्ट कॉल टू एक्शन देना है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है, शुरुआत में नहीं कहना है। दोस्तों मेरे पास YouTube की 3 साल की एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को मैं कह रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, एक चीज याद रखना है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरी गलती वीडियो में अगर कुछ भी थोड़ा गलती है ना तो कमेंट करके बताना है कि आप गलती कर रहे हो, कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।